करिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम मजीद कुमार दास है दोस्तों। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में मुझ पर एक इल्ज़ाम लगने लगा है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यक्ति हूँ। मैं लोगों को नेगेटिविटी की तरफ जो है मूव करता हूँ। जितने भी अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सब में देखिएगा मैं नेगेटिव खबरें वगैरह फैलाता हूँ। ऐसी बातें वगैरह चल रही हैं। दरअसल देखिएगा, आज के डेट में सच्ची खबरें देना और देखिएगा फैक्ट्स के साथ खबरें देना, यानी कि डॉक्यूमेंट सहित खबरें देना, यहाँ पर देखिए नेगेटिविटी का कारण बन गई है। लोगों की नज़र में मैं नेगेटिव बन जाता हूँ। अब देखिएगा, मैं कहने के लिए तो कह सकता हूँ कि कल के डेट में ये वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी आएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि देखिएगा ये सबसे वो छात्र खुश होते हैं जो नए नए इस लाइन में आए हैं। उन लोगों को देखिएगा ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। धीरे धीरे जब एक दो साल कटता है, फिर उन लोग वास्तविकता में उतरते हैं। तो देखिएगा वो सब फेज़ मैंने देख लिया है। इसके लिए मैं अपने तरफ से जितनी भी सत्य चीज़ें होती हैं, यानी कि फैक्ट्स पर आधारित जो जानकारियाँ होती हैं, वही शेयर करता हूँ। बनावटी खबरें देखिएगा मुझे भी बनाना आता है, उसके आधार पर मुझे सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, व्यूज़ भी मिल जाएंगे, बट देखिएगा मुझे वो सही नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद जो है ऑथेंटिक सोर्सेज पर बिलीव करता हूँ। इसके लिए मैं ऑथेंटिक जानकारी देना ही सही मानता हूँ। भले सब्सक्राइबर कम बढ़े, व्यूज़ कम है, वो चल जाएगा, बट छात्रों तक जो है एक सही जानकारी जानी चाहिए। ये मेरा हमेशा से एम रहा है। अब अगर आप उसको नेगेटिविटी समझना चाहें तो समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसे ही खबरें दूंगा। बाकी देखिएगा आज के इस वीडियो में मैं आपको इतने सारे जॉब अपडेट्स देने वाला हूँ कि 7 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर पॉजिटिव और मोटिवेट हो जाएंगी। तो चलिएगा स्टूडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जो है समस्त अपडेट्स के बारे में बताते हुए चलते हैं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, दरअसल देखिएगा ये निकल कर आ रहा है आपका मुंगेली जिला से। यहाँ पर आकांक्षा प्लेटफॉर्म द्वारा सशक्त युवा सशक्त मुंगेली योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 986 पदों पर देखिएगा ऐतिहासिक बंपर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी, जिसमें आपके मन पसंदीदा सभी पदों को शामिल वगैरह भी किया गया है। देखिएगा डेट दिया गया है प्लेसमेंट कैंप का 17 फरवरी 2023 का, सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक ये प्लेसमेंट कैंप चलेगा। स्थान बता देता हूँ, जिला कलेक्ट्रेट स्थित जनदर्शन जो कक्ष है वहाँ पर आयोजित होगा। शैक्षणिक योग्यता चाहिए यहाँ पर, मिनिमम 8वीं पास और मैक्सिमम देखिएगा स्नातकोत्तर तक के समस्त पदों को यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी कि आपके पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लगेगी। तो देखिएगा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लगभग 1000 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही, तो बिल्कुल उसको अटेंड करिए और अपने लिए एक जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं एकदम शॉर्ट में बताते हुए चलूंगा। दरअसल अपडेट जो है जिला एवं सत्र न्यायालय जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहा है। इनके द्वारा देखिएगा सहायक प्रोग्रामर के 1, स्टेनोग्राफर हिंदी के 4, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के 2, सहायक ग्रेड 3 के 25, वाहन चालक के देखिएगा 1, भृत्य के 7 एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले वाटरमैन के 5, चौकीदार के 5, स्वीपर के 6, यानी कि ओवरऑल देखिएगा कुल 56 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन वगैरह जारी किया गया है। अच्छी खासी संख्या है। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य डिटेल्स वगैरह देखिएगा इस PDF में प्राप्त कर पाएंगे, मैं इसको शेयर कर दूंगा। प्लस देखिएगा जो आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह है वो भी आप इस पर्टिकुलर PDF के नीचे प्राप्त कर पाएंगे। सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ सब चेकआउट कर पाएंगे। देखिएगा फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट जो है ये है 20/2/2023 का, कुछ दिन बचे हुए, लगभग 11 दिन बचे हैं, तो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी दी गई एकदम शॉर्ट में बताते हुए चलूंगा। दरअसल अपडेट जिला एवं सत्र न्यायालय उत्तर बस्तर कांकेर से निकल कर आ रहा है। इनके द्वारा कलेक्टर दर पर आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले विभिन्न कर्मचारियों की भर्ती वगैरह ली जाएंगी। पदों का विवरण मैं बता देता हूँ, चौकीदार के कुल मिलाकर 3 पोस्ट है, जिसमें देखिएगा 1 पोस्ट UR का है, 1 पोस्ट OBC का है और 1 पोस्ट ST का है। जबकि दूसरा पद है यहाँ पे स्वीपर का, इसके कुल मिलाकर 2 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट जो है यहाँ पे UR के लिए है और दूसरा पोस्ट OBC के लिए है। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा न्यूनतम कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं अधिकतम 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। नोट दिया गया है कि इन समस्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट वगैरह बताता हूँ, 28/2/2023 का है। बाकी देखिएगा आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह इस पर्टिकुलर PDF के नीचे प्राप्त कर पाएंगे, तो सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो चौथा और लास्ट अपडेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसके भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल अपडेट जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित राजनांदगांव से निकल कर आ रहा है। इनके द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कुंडकल, कमानसूर, गोटा टोला, पंडरा पानी, भोज टोला, हाट बंजारी में प्रबंधक के 1-1 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 6 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता वगैरह बता देता हूँ, सबसे पहले हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए और दूसरा देखिएगा छत्तीसगढ़ शासन या केंद्र शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का
एक वर्षीय डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य रखा गया है। नोट दिया गया है कि अभ्यर्थी का सहकारी संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, उस पर्टिकुलर सहकारी संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट जो है ये है 20/2/2023। बाकी देखिएगा अन्य डिटेल्स एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ सब चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूँ यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स और पीडीएफ पर चर्चाएँ की हैं, अगर आप इनकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियो उसको डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।